हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे गियर टर्मिनोलॉजी और नोमेनक्लेचर ऑफ स्पर गियर इन मशीन ड्राइंग। आज हम जानेंगे गियर क्या होता है, गियर का टाइप स्पर गियर क्या है, और नोमेनक्लेचर ऑफ स्पर गियर के बारे में या गियर टर्मिनोलॉजी के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, हम डिस्कस करेंगे गियर क्या है। तो आप देखिए, गियर की डेफिनेशन है हमारे पास, गियर्स आर मशीन एलिमेंट डेट ट्रांसमिट मोशन बाय मीन्स ऑफ सक्सेसफुली इंगेजिंग टीथ। यानी गियर्स हमारे पास ऐसे मशीन एलिमेंट हैं जो कि ट्रांसमिट करते हैं मोशन, ये ट्रांसफ़र करते हैं मोशन बिटवीन टू मूविंग शाफ्ट्स। आप यहाँ फिगर में देखें, इस पर गियर में यहाँ पर हमारे पास दो गियर हैं, देखिए एक है गियर वन और ये जो सेकेंड जो हमारे पास गियर है, ये जो स्मॉल गियर है, इसे हम कहते हैं पिनियन, इसको हम कहेंगे पिनियन। तो आप यहाँ पर देखिए, इस इन में दो शाफ्ट यहाँ पर लगे हुए हैं और इन शाफ्ट पर आप देख रहे हैं क्या क्या लगा हुआ है, एक गियर लगे हुए, क्या लगे हुए हैं, गियर लगे हुए हैं। अब यहाँ पर आप गियर की डेफिनेशन देखिए, गियर्स आर मशीन एलिमेंट डायरेक्ट ट्रांसमिट मोशन बाय मीन्स ऑफ सक्सेसफुली इंगेजिंग टीथ। यानी ये कैसे ट्रांसफ़र करते हैं मोशन बिटवीन टू शाफ्ट, बाय यूजिंग टीथ, इनकी सक्सेसफुली इंगेजिंग टीथ। देखिए इनके टीथ आपस में कैसे होते हैं, जुड़े होते हैं। जब ये टीथ आपस में क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो क्या होती है, हमारी शाफ्ट भी क्या करती है, रोटेट करती है। तो आप देखिए, गियर्स आर मशीन एलिमेंट डेट ट्रांसमिट मोशन, तो आप देखेंगे यही गियर्स जो होंगे ट्रांसमिट करेंगे मोशन को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय सक्सेसफुली इंगेजिंग टीथ। यानी जो टीथ हैं हमारे, जो यहाँ पर गियर के टीथ हैं, इन टीथ की हेल्प से मोशन होगा, इन टीथ की हेल्प से क्या होता है, ट्रांसमिट होता है मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर, फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा मोशन का। अब आप इनकी डायरेक्शन देख लीजिए, जो गियर है इसकी डायरेक्शन जो है वो किस प्रकार है, यहाँ देखें, जो सेकंड गियर है इसकी रोटेशन क्या है, डिफरेंट है, इन दोनों की रोटेशन कैसी है, डिफरेंट है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, अब हम जानेंगे स्पर गियर के बारे में, गियर्स इन विच एज ऑफ ईच टूथ इज स्ट्रेट। यानी ऐसा गियर जिसके जो सभी टीथ हों या जिसे हम दांत कहें वो स्ट्रेट हों और अलाइन किए जाएं पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट। यहाँ पर आप देखिए, शाफ्ट की एक्सिस यहाँ पर आपको दिख रही है, शाफ्ट है, और इनको हम इस प्रकार से लगाते हैं कि ये कैसे होते हैं, पैरेलल टू द शाफ्ट। ये जो गियर होता है स्पर गियर, ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ गियर होता है। और इस गियर में क्या होता है, जो ईच टूथ होता है, जो हर दांत होता है, वो स्ट्रेट होता है और कैसा होता है, पैरेलल, और ऐसा लगाया जाता है कि पैरेलल हो टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी ये हमेशा पैरेलल रहता है, ये टीथ एक्सिस ऑफ रोटेशन के, इन द स्पर गियर्स। आप यहाँ पर देखिए कि जब यहाँ पर दो गियर्स को मैश किया गया, तो यहाँ पर क्या होगी, इसके कारण ट्रांसमिट होगा मोशन, यहाँ पर दोनों गियर को डिफरेंट डायरेक्शन में क्या किया जाएगा, रिवॉल्व किया जाएगा, इसके कारण क्या होगा, ट्रांसमिट होगा मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर। ये होता है गियर का कार्य, और ये होता है स्पर गियर। ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ गियर होता है स्पर गियर। और अब हम जानेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ स्पर गियर के बारे में, कि स्पर गियर की जो नोमेनक्लेचर है वो हम कैसे करते हैं, ये अब हम जानेंगे। अब आप देखिए, यहाँ पर ये हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ स्पर गियर का डायग्राम। इसमें आप देखते हैं कि हमने दो सक्सेसिव टीथ बनाए हैं गियर के, क्या बनाए हैं, यहाँ पर हमने टू सक्सेसिव टीथ ऑफ गियर्स, यहाँ पर हमने दो सक्सेसिव टीथ बना दिए हैं गियर के। और इसमें आप देख रहे हैं, हमने सभी टर्मिनोलॉजी जो है गियर की वो यहाँ पर शो की हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसी टर्मिनोलॉजी को मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको ये जो टॉप जो एरिया दिख रहा है यहाँ पर गियर का, इसको आप कहते हैं, देखिए टॉप लैंड, ये जो एरिया है इसको आप क्या कहेंगे, टॉप लैंड ऑफ गियर। ये क्या है, टॉप लैंड ऑफ गियर। अब देखिए, इस पॉइंट से लेकर यहाँ इस पॉइंट तक आप देखते हैं कि ये जो हमारे पास ये जो लेंथ है, इसको कहते हैं फेस विड्थ। यानी जो फेस है इसकी क्या है, चौड़ाई है, इसे क्या कहेंगे हम, फेस विड्थ कहेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर तीन, यहाँ पर आप देखिए, आपको तीन सर्कल यहाँ पर स्टडी करने हैं। आपको कितने सर्कल यहाँ पर स्टडी करने हैं, तीन सर्कल यहाँ पर स्टडी करने हैं। पहला सर्कल है ये, देखिए जो इस गियर के मिड से पास आउट हो रहा है, इस गियर को हम कहते हैं पिच सर्कल। ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक पेन से यहाँ पर डिनोटेड है, ये जो सर्कल है इसको हम कहेंगे पिच सर्कल। इस पिच सर्कल को ही हम क्या करते हैं, रिफरेंस मानते हैं, और इस सर्कल पर ही हम क्या करते हैं, गियर को ड्रॉ करते हैं।
इसी सर्कल, पिच सर्कल क्या होता है हमारा, एक बेसिक सर्कल होगा जिस पर हम क्या करेंगे, जो टीथ होंगे गियर के इसको ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है, सबसे फर्स्ट जो हमारे पास सर्कल है वो पिच सर्कल है। अब आप दूसरा सर्कल को समझिए, यह आप देख रहे हैं जो टॉप टूथ है, जो हमारा जो दांत का जो हमारा गियर है, इसके टॉप में जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है, इस सर्कल को हम कहेंगे एडेंडम सर्कल। इस सर्कल को हम कहेंगे एडेंडम सर्कल। एक बार मैं आपको दोबारा कह दूँ, इट इज़ द सर्कल ड्रॉन थ्रू द टॉप ऑफ टीथ, यानी सर्कल टीथ के टॉप से ड्रॉ किया जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम कहेंगे एडेंडम सर्कल। ये आपको याद रखना है, अभी तक हमने दो सर्कल डिस्कस कर लिए हैं, पहला है पिच सर्कल एंड अदर वन इज एडेंडम सर्कल। अब आप देखिए जो थर्ड सर्कल है हमारे पास, वो देखिए बॉटम में, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सर्कल बॉटम में ड्रॉ किया जाएगा टीथ के, इसे हम कहेंगे डिडेंडम सर्कल। यहाँ पर आप देखिए जिस सर्कल को हम ड्रॉ करेंगे एट द बॉटम ऑफ द टीथ, इसे आप कहेंगे डिडेंडम सर्कल, इसे आप कहेंगे डिडेंडम सर्कल। ये हो गए हमारे तीन सर्कल जो हमने डिस्कस किए। अब आप यहाँ पे देखिए, अब आप देखिए क्या है अडेंडम और डिडेंडम किसे कहते हैं। अब आप जानिए अडेंडम और डिडेंडम आप किसे कहेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए अडेंडम क्या है, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप जो पोर्शन है अडेंडम सर्कल और सर्कुलर जो पिच सर्कल है, जहाँ पर पिच सर्कल है इसके बीच में जो लेंथ है हमारे पास, इसको ही आप क्या कहेंगे अडेंडम कहेंगे। इट इज़ द हाइट ऑफ द टूथ अबव द पिच सर्कल, यानी पिच सर्कल से ऊपर हाइट होती है टूथ की। इट इज़ द हाइट ऑफ द, देखिए इट इज़ द हाइट ऑफ द गियर या टूथ अबव द पिच सर्कल, ये हो गया अडेंडम। अब आप देखिए डिडेंडम, डिडेंडम आप समझिए कि पिच सर्कल से नीचे जो हाइट है टूथ की, इसे आप कहते हैं डिडेंडम। द हाइट बिलो, यानी हाइट बिलो फ्रॉम द पिच सर्कल इज नोन एज डिडेंडम, इसको क्या कहेंगे डिडेंडम कहेंगे। और यदि आप अडेंडम और डिडेंडम दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास आती है वर्किंग डेप्थ ऑफ गियर, यह होती है हमारे पास वर्किंग डेप्थ ऑफ गियर होगी। अब आप यहाँ पर देखेंगे क्लियरेंस क्या है, अब देखेंगे क्लियरेंस। तो ये देखिए, ये आपको जो एक स्केच पेन से यहाँ पर जो हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है, इसे ही आप कहेंगे क्लियरेंस। इसे क्या कहते हैं, इट इज़ द डिस्टेंस, ये देखिए डिस्टेंस होती है डिडेंडम सर्कल की और पिच सर्कल से थोड़ा नीचे पर, ये क्लियरेंस यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। क्लियरेंस इसलिए ज़रूरी है कि जब यहाँ पर आप देखिए कोई मैटिंग गियर आप यहाँ पर लगाएंगे, जब यहाँ पर कोई दूसरा गियर आएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ दो गियर हैं, इसके ऊपर जो गियर मैश होगा वो इसके डिडेंडम सर्कल से टच ना हो, इसलिए यहाँ पर हम क्या देते हैं कुछ क्लियरेंस देते हैं। कुछ क्या देंगे, क्लियरेंस देंगे। इसकी डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द आउटसाइड डायमीटर ऑफ गियर एंड द डिडेंडम डायमीटर। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, जो दूसरा यहाँ पर हम एक गियर बनाएंगे उस गियर से और जो डिडेंडम सर्कल है फर्स्ट सर्कल का, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्लियरेंस होगी। क्लियरेंस देना इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर कि जो दो हमारे पास जो गियर हैं वो मीट होंगे, वो इजीली क्या कर पाएँ, रिवॉल्व कर पाएँ, जिससे वो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर वो स्टक ना हो, यहाँ पर वो अटके ना और इजीली वो रोटेट हो जाए, इजीली रिवॉल्व हो जाए। अब आप देखिए ये क्लियरेंस हो गया और ये हो गया क्लियरेंस का सर्कल, ये हो गया क्लियरेंस का सर्कल। ये जो आप एरिया देख रहे हैं नीचे को, इसे आप कहते हैं बॉटम लैंड, इसको आप कहेंगे बॉटम लैंड कहेंगे। अब आप बॉटम लैंड के ऊपर यहाँ पर देखिए कि हमने यहाँ पर एक जहाँ पर पिच सर्कल था यहीं पर हमने एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी है। तो आप देखिए इस सेंटर लाइन से अबव का जो यहाँ पर ये पोर्शन है, इसको हम कहते हैं फेस, इसको क्या कहेंगे आप, गियर का फेस कहेंगे, गियर फेस। इट इज़ द सरफेस ऑफ द गियर टूथ अबव द पिच सर्कल, यानी ये वो सरफेस है जो कि अबव है पिच सर्कल के, इसको हम कहेंगे फेस। और जो पिच सर्कल के नीचे जो सरफेस है इसको आप कहेंगे फ्लैंक, इसको आप कहेंगे फ्लैंक। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रेडियस भी हमने ड्रॉ किया है, इसको आप कहेंगे फिलेट रेडियस, ये देखिए इसे आप कहेंगे फिलेट रेडियस। अब आप देखिए फिलेट रेडियस हो गया। अब ये हमारे पास टूथ थिकनेस, यानी टूथ की यानी दांत की मोटाई आप इसे कहेंगे। थिकनेस का मतलब होता है
मोटाई, इट इज़ द विड्थ ऑफ द टूथ मेजर्ड अलोंग द पिच सर्कल, यानी आप यहाँ पर देखिए पिच सर्कल से ही हम इसको मेजर कर रहे हैं, किसी भी एक गियर में आप देख सकते हैं पिच सर्कल से ही आप इसको मेजर करेंगे और इसको आप कहेंगे टूथ थिकनेस। इसे आप क्या कहेंगे? टूथ थिकनेस, इट इज़ द विड्थ ऑफ द टूथ, यानी टूथ थिकनेस का मतलब क्या है? दांत की चौड़ाई, जिसे हम कहाँ से लेते हैं? पिच सर्कल से ही यहाँ पर लेते हैं किसी भी एक गियर के अंदर, यहाँ पर ही यह होगा टूथ थिकनेस। अब आता है सर्कुलर पिच। अब आप सर्कुलर पिच को यहाँ समझिए कि सर्कुलर पिच जो है हमारे पास, वो पिच सर्कल पर आप कोई पॉइंट ले लीजिए और पिच सर्कल से जब तक दूसरा हमारे पास गियर का जो है टूथ स्टार्ट नहीं हो जाता, वहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसे आप कहेंगे सर्कुलर पिच। इसकी डेफिनेशन मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूँ कि इट इज़ द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द पिच सर्कल, अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ पिच सर्कल फ्रॉम वन टूथ टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द एडजेसेंट टूथ, यानी जहाँ से हमने वो पॉइंट लिया था सर्कुलर पिच पे, जब तक उससे दूसरा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर टूथ नहीं आ जाता, वहाँ तक जो है जो हमने यहाँ पर विड्थ नापी है, इसको ही आप क्या कहेंगे? सर्कुलर पिच कहेंगे। इसको ही आप क्या कहेंगे? सर्कुलर पिच कहेंगे। अब ये आपने सारी इसमें टर्मिनोलॉजी जान ली है, अब हम देखेंगे कुछ फार्मूलाज जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब आप देखिए गियर के फार्मूलाज आप यहाँ पर जान लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कुलर पिच की, जो आपने अभी देखा कि सर्कुलर पिच हमारे पास क्या होती है, पिच सर्कल की सर्कमफेरेंस पे हम एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट से दूसरा जो हमारे पास टूथ होता है वहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो सर्कुलर पिच कहलाती है। तो आप देखिए सर्कुलर पिच का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है PCD, यानी पिच सर्कुलर डायमीटर इनटू पाई अपॉन में नंबर ऑफ टीथ। और सर्कुलर पिच का यहाँ पर एक और फार्मूला मैं आपको बता दूँ, सर्कुलर पिच को आप पी से डिनोट करेंगे इज इक्वल टू हमारे पास आएगा पाए इंटू एम, जहाँ पर स्मॉल एम हमारे पास मॉड्यूल है, जहाँ पर स्मॉल एम मॉड्यूल है। मैं आपको बता दूँ जो मॉड्यूल होता है वो अडेंडम के बराबर होता है, और आपको पता है अडेंडम क्या होता है? हाइट ऑफ द टूथ अबव द पिच सर्कल, अडेंडम के बराबर ही मॉड्यूल होगा। इसको आप इसका फॉर्मूला होता है मॉड्यूल का PCD अपॉन में n, वहाँ पर PCD क्या है? पिच सर्कुलर डायमीटर, और n है हमारे पास नंबर ऑफ टीथ। ये आपको पता चल गया है। अब आप देखिए, आप एक होता है हमारे पास डायमीट्रल पिच, DP आप इसको बोल सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है n अपॉन PCD। कई बार आपको क्वेश्चन में डायमीट्रल पिच भी दी होगी, तो ये हमारे पास हो गया n अपॉन PCD। डायमीटर पिच का मतलब है नंबर ऑफ टीथ पर mm ऑफ पिच सर्कल डायमीटर, यानी पिच सर्कल डायमीटर में कितने यहाँ पर आप देखते हैं कितने नंबर ऑफ टीथ आते हैं, यानी नंबर ऑफ टीथ पर mm ऑफ पिच सर्कुलर डायमीटर, यानी कितने दांत होंगे पर mm पिच सर्कल में कितने नंबर ऑफ टीथ होंगे, यह आपको बताता है डायमेट्रल पिच। यह आप यहाँ पर ध्यान रखिए, DP का फॉर्मूला हो गया हमारे पास n अपॉन PCD। अब आप देखिए, एक होता है हमारे पास थिकनेस, जो टूथ की थिकनेस अभी हमने देखी, इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास सर्कुलर पिच अपॉन टू। अब आप देखिए, दो और फार्मूलाज हैं, एक है अडेंडम सर्कुलर डाया ACD और एक है डिडेंडम सर्कल डाया। तो आप देखिए, जो अडेंडम सर्कल डाया है इसको आप निकालेंगे PCD प्लस 2 इंटू अडेंडम, ये फार्मूला हो गया आपके पास किसका? अडेंडम सर्कुलर डाया का। और एक दूसरा फार्मूला मैं आपको बता दूँ, वो है PCD माइनस 2 इंटू डिडेंडम, ये फार्मूला हो गया हमारे पास डिडेंडम सर्कुलर डाया का। अब आपको पता है PCD आप इस फार्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे, पर अडेंडम आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपको पता है अडेंडम का भी एक ही फार्मूला है यहाँ पर, PCD अपॉन n। अडेंडम का क्या फार्मूला है? PCD अपॉन n।
अब आप यहाँ पर देखिए डिडेंडम का फॉर्मूला क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डिडेंडम इज इक्वल टू होता है हमारे पास, जो डिडेंडम होगा वो होगा अडेंडम प्लस क्लियरेंस, प्लस क्लियरेंस, ये आपको ध्यान देना है, अडेंडम का फॉर्मूला हो गया, या डिडेंडम का फॉर्मूला हो गया अडेंडम प्लस क्लियरेंस हो गया। अब आप देखिए क्लियरेंस का फॉर्मूला, इसको मैं सी से डिनोट करता हूँ, तो जो क्लियरेंस है इसका फॉर्मूला हमारे पास होगा सर्कुलर पिच, सर्कुलर पिच अपॉन में 20, सर्कुलर पिच अपॉन में 20, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा किसका, क्लियरेंस का। तो आज आपने देखा कि आज हमने डिस्कस किया गियर टर्मिनोलॉजी, नॉमन क्लेचर ऑफ स्पर गियर्स और फार्मूलाज, जाने कि जब हम ड्रॉ करेंगे स्पर गियर को, ये फार्मूला आज हमने यहाँ पर जान लिए हैं, ये फार्मूलाज आपको याद रखने हैं जब आप ड्रॉ करेंगे स्पर गियर को। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति अकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।